नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जब आप बार बार अपनी अफर्मेशन को दोहराते हैं तो यूनिवर्स में क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या होता है और किस तरह से आपकी अफर्मेशन जादुई रूप से काम करना शुरू कर देती है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप अपनी अफर्मेशन को जब भी दोहराते हैं तो ब्रह्मांड में क्या होता है। दोहराते हैं यानी कि आप रिपीट करते हैं कि ये चीज हो गई है। कैसे होते हैं हमारी अफर्मेशंस? हमारी अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होते हैं, राइट। तो जब आप ये दोहराते हैं ना तो आप ब्रह्मांड को बार बार एक संकेत देते हैं कि ये चीज हो गई है। तब ब्रह्मांड भी आपकी उसी अफर्मेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, रिएक्ट करना शुरू करता है कि यस ये चीज हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब आप बहुत किसी ऐसे खाली जगह पर जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और आप किसी शब्द को बोलते हैं तो वो आवाज गूंज करके आपके पास आती है। बस ऐसे ही काम करती है प्रकृति, ऐसे ही काम करता है नेचर, ऐसे ही काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जब भी अपनी अफर्मेशन को दोहराते हैं तो ब्रह्मांड वही अफर्मेशन को आपके पास में भेजता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी अफर्मेशन को शब्दों में दोहरा रहे होते हैं, फीलिंग्स के थ्रू दोहरा रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसको एक्शन के थ्रू आपकी लाइफ में ला करके देने की तैयारी कर रहा होता है। तो अगर आप भी अपनी अफर्मेशंस को दोहराते हैं तो याद रखिएगा कि ब्रह्मांड तैयारी कर रहा है, बस आप तैयार हो जाइए रिसीव करने के लिए। बीच में ब्लॉकेजेस मत डालिए, बीच में रेजिस्टेंस मत डालिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अफर्म तो कर रहे हैं, साथ के साथ आप फीलिंग दूसरी वाली भी दे रहे हैं, वो फीलिंग भी आप जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग भी अफर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप जितनी बार अपनी उस फीलिंग को रिपीट करते हैं, चाहे वो डर की हो, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो घबराहट की हो, चाहे वो नेगेटिव वाली हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो प्यार भरी हो, चाहे वो सेल्फ लव भरी हो, चाहे किसी और से प्यार मांगने वाली हो, कैसी भी फीलिंग हो, ब्रह्मांड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लैक वाली फीलिंग दे रहे हैं या फिर आप अबंडेंस वाली फीलिंग दे रहे हैं। आप जो भी फीलिंग दे रहे हैं, आप जो भी अफर्मेशन दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बार बार फील कर रहे हैं। इसीलिए रिपीट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि फिर ब्रह्मांड बहुत ईजिली आपकी उस विश को पूरा करने के लिए ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें, ऐसी साजिशें रचना शुरू कर देते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। आपके खुद के ब्लॉकेजेस, आपका खुद का रेजिस्टेंस ही उसको रोकता है। अदरवाइज आपकी अफर्मेशंस एनी हाउ आपके लिए काम करती ही करती हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही काम करती है, यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है। आप जो होते चले जाएंगे वो आप मैनिफेस्ट करते चले जाएंगे। सो बी रेडी, आपके अफर्मेशंस आपके लिए ये काम करती है और आपके लिए ब्रह्मांड आपके अफर्मेशंस के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है और आपको देने के लिए पूरी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब नम रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।